5, 4, 3, 2, 1। उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से यह बिल इस सदन के सामने रखा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहती है, जिससे कि देश के असंख्य लोग इसका फायदा उठा सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस कानून के पास हो जाने के बाद लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। इसका कारण यह है कि जिस तरीके से इस बिल की धाराएं हैं, उनसे कई बातें स्पष्ट नहीं होती। खास तौर पर मैं समाज के सबसे निचले वर्ग की बात करता हूं। हमारे देश में उनकी संख्या लगभग 15 करोड़ है, जो हरिजन और आदिवासियों के नाम से जाने जाते हैं, जिनको अभी तक 25 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी पेट भरकर रोटी नहीं मिल पाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश में गरीबी है, लेकिन उसका कारण क्या है, इस बारे में कभी भी पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। एक ओर तो देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने हाथ में ली हुई है, दूसरी ओर करोड़ों लोगों को अभी भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ नहीं है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने इस बिल के द्वारा जो कुछ इस कानून में परिवर्तन लाने की बात कही है, उसके आधार पर कई लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। लेकिन देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि समाज के कमजोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आप इस तरह का कानून पास करें, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक क्या आपने सच्चे दिल से जो इस बारे में कार्य किया है, इसकी जानकारी दें। अगर सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर गरीबों की भलाई के लिए सोचें, तो इस देश से गरीबी सिर पर पैर रखकर भागती नजर आएगी। हम यह चाहते हैं कि जो कोई भी कार्य आप अपने हाथ में लें, उसमें इस देश के गरीब लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस देश में गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है, वहां पर कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, और एक न एक दिन वहां पर क्रांति की चिंगारी फूट सकती है। इस देश में पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या 1/4 है। ऐसी परिस्थिति में इस देश से छुआछूत और छोटे बड़े के भेद को खत्म करना होगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के द्वारा आपने कुछ हद तक इस देश में छुआछूत मिटाई है, लेकिन मैं आपसे
अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी जड़ें इस देश में बहुत गहरी हैं, अतः जिस तरीके से भी संभव हो उनकी जड़ों को ही खत्म कर देना चाहिए, तभी इस देश में सच्चे धर्म में समानता और संपन्नता आ सकती है। इतना ही मुझे निवेदन करना है।